अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। लेट्स कम टू द स्टडीज। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 75। स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर 9 इन द प्रीवियस लेसन, एंड दिस इज अबाउट द ब्रिटिश राज, बरतानवी राज। जब अंग्रेज जो है साउथ एशियन रीजन में ताजिर बनकर तिजारत की गर्ज से आना शुरू हुए थे और फिर यहां अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, इस सारे ड्यूरेशन को ब्रिटिश राज कहा जाता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से ये ताजिर जो है, ब्रिटिशर्स जो हैं, यहाँ पर साउथ एशियन रीजन में एंटर हुए, किस तरह आना शुरू हुए और फिर यहाँ ग्रुप बनाकर स्ट्रांग हो गए और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बहुत से इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। टूडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी, जंगे प्लासी के नाम से जो मशहूर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। By the 1750s, the British had become a strong power in South Asia, especially in the region of Bengal. 1750 तक जो बरतानवी अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने यहाँ पर बहुत जो है वो ताकत हासिल कर ली थी, बहुत स्ट्रांग हो गए थे, खास तौर पे जो बंगाल का इलाका है उसमें। नवाब सिराजुद्दौला, a brave and young ruler of Bengal, didn't like their influence. बंगाल का जो एक बहुत ही बहादुर और यंग रूलर थे, उनका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। और नवाब सिराजुद्दौला जो है, उनको अंग्रेजों का ये तसल्लुत, अंग्रेजों की एंट्री जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके जो असर यहाँ पे फैल रहा था, असरात थे, वो उनको पसंद नहीं थे। ही आस्क्ड देम टू डिमोलिश देयर फोर्ट्स, उन्होंने कहा कि वो यहाँ से अपने ये किले खत्म करें। एंड कैप्चर्ड कैलकटा इन 1756 व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ओबे, जब अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं सुनी और अपने जो किले हैं उनको खत्म नहीं किया, तो नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को फतह किया और वहां से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको निकाल दिया। बट रॉबर्ट क्लाइव, लेटर लॉर्ड क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव था जिसको बाद में लॉर्ड क्लाइव का नाम दिया गया, ही वॉज एन एम्बिशियस एंड कनिंग ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव, जिसको बाद में लॉर्ड क्लाइव का भी नाम दिया जाने लगा, बहुत ही जोशीला और मक्कार ऑफिसर था, बहुत ही चालाक जिसे कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमने कल प्रीवियस लेसन में पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बेसिकली ये ब्रिटिश जो ताजिर थे, उन लोगों ने अपना जो, जब यहां पर उनकी तादाद ज्यादा होगी तो उन्होंने तिजारत के घर से एक अपना एक उस पूरे ग्रुप ने अपनी ये कंपनी बना ली थी जिसका ईस्ट इंडिया नाम रखा था। और इस कंपनी का बहुत ही कनिंग ऑफिसर था, बहुत चालाक ऑफिसर था ये रॉबर्ट क्लाइव। रिकैप्चर्ड कैलकटा सून आफ्टरवर्ड, जब नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता फतह कर लिया था, तो उसके कुछ ही देर बाद, कुछ अरसे बाद ही इस रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को दोबारा से हासिल कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। एंड देन प्लान टू डिफीट नवाब, और फिर उसने प्लानिंग की कि किसी तरह नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी जाए। सिंस द ब्रिटिश आर्मी वॉज मच स्मॉलर, क्लाइव डिसाइडेड टू ब्राइब सम ऑफ नवाब्स ऑफिसर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त तक स्ट्रांग बहुत हो गई थी, लेकिन फिर भी इनकी आर्मी जो है, इनकी फौज जो है वो तादाद में कम थी, और उन्हें लगता था कि वो नवाब सिराजुद्दौला की जो फौज है उसको शिकस्त नहीं दे पाएंगे। तो उसने क्या किया, उसने एक चालाकी की, धोखा किया, और धोखा ये किया कि उसने जो नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी के कमांडर थे उनको रिश्वत देना शुरू की, उनको दौलत के जरिए उनको जो है गद्दारी पर आमादा किया। वन ऑफ देम मीर जाफर, आपने यकीनन सुना होगा, ये नाम बहुत मशहूर है, गद्दारी के हवाले से, धोखा देने के हवाले से अपने लीडर को, अपने रूलर को अगर किसी का नाम आता है तो वो मीर जाफर का नाम लिया जाता है। हमेशा मिसाल दी जाती है मीर जाफर की, जो सबसे ज्यादा गद्दार साबित हुआ मुसलमान हुक्मरान के साथ। और उनमें से इन्हीं उसके, नवाब सिराजुद्दौला की जो फौज थी, आर्मी थी, उनमें एक था मीर जाफर, हु वॉज लीडिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ नवाब्स आर्मी। और उसका काम क्या था कि वो नवाब सिराजुद्दौला की जो फौज थी उसका एक बड़े लश्कर को लीड कर रहा था, उसका कमांडर था ये मीर जाफर। और ऑन द डे ऑफ द बैटल, और जब जंग हुई ब्रिटिशर्स के साथ, सडनली ऑर्डर्ड हिज मैन नॉट टू फाइट द ब्रिटिश, और इस शख्स ने धोखा ये दिया
कि नवाब सिराजुद्दौला को पता ही नहीं चला, लेकिन जंग वाले दिन जैसे ही जंग शुरू हुई, इस शख्स ने, मीर जाफर ने, अपने पूरी फौज को, अपने पूरा जो लश्कर था इसके अंडर, उन सबको अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने से रोक दिया। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड और इस धोखे की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हो गई एंड फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड, और वो वहां से मैदान जंग से भाग गए, बट वॉज लेटर कैप्चर्ड, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एंड मर्टायर्ड बाय द ट्रेटर्स, और फिर इन गद्दारों ने उन्हें शहीद कर दिया। द ब्रिटिश बिकेम द रूलर्स ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, और फिर इस जंग के बाद, जंगे प्लासी के बाद, जो अंग्रेज थे जिन्होंने धोखे से नवाब सिराजुद्दौला की फौज के कमांडर को रुपया दिया, दौलत दी और उसको धोखे पर तैयार किया और धोखे से उसको जंग में शिकस्त देकर, ये अंग्रेज जो है वो बंगाल के हुक्मरान बन गए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था बैटल ऑफ प्लासी के हवाले से, और आपका क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, जंगे प्लासी जो है, इसकी कॉजेज क्या थी, उसके असबाब क्या थे, वजूहात क्या थी और फिर उसके नतीजे क्या थे, ये पूरा टॉपिक ही इसके बैटल ऑफ प्लासी का पूरा टॉपिक इसमें आएगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ का हिस्सा है उसमें कॉजेज बताई गई हैं और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ है, उसमें उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो बयान किए गए हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक आपको लंबा तो जरूर लगेगा, लेकिन आपको ये सारा ही इसके अंदर बयान करना है, इसमें ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। आपने ये टॉपिक लिखना भी है और याद भी करना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अल्लाह हाफिज।